तेरी भैंस चोरी हो गई क्या? अरे भाई कुछ नहीं, आज मैंने बोल दिया कि एंटोनियो नंबर याद करके आने हैं 50-50। अरे मुझे पता नहीं एंटोनियो नंबर होते क्या है। अरे भाई एंटोनियम वर्ड्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे कि छोटा बड़ा, उसे हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं और विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हैं, तेरा भाई है ना, मैं अभी एंटोनियम वर्ड ही याद करके आया हूँ, मैं तेरे को भी सिखा दूंगा, अभी दोनों भाई एक साथ सीख लेंगे। अगर बैठ भाई, चल भाई दोनों बैठ के करते हैं, मैंने तो अपनी कॉपी में लिख भी लिए। चल भाई चल करते हैं, तो चल शुरू करते हैं। आज हमारा पहला एंटोनियम है हॉट कोल्ड। हॉट का मतलब होता है गर्म और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। हॉट मतलब कि जैसे हमारी चाय और कोल्ड मतलब कि जैसे हमारी आइसक्रीम। अरे वाह भाई वाह, चल अब दूसरे से स्टार्ट करते हैं। हमारा मतलब हॉट एंड कोल्ड। हाँ हॉट का उल्टा क्या होता है कोल्ड। चल अब दूसरे से स्टार्ट करते हैं। थिन फैट, थिन का मतलब होता है पतला और मोटे का मतलब होता है इतना मोटा, पतले का होगा इतना मोटा। मोटा इंसान पतला इंसान थिन इंसान। कम गो, इधर आओ मतलब कि कम, उधर जाओ मतलब कि गो, सिंपल कम एंड गो। हाँ स्मॉल बिग, तू छोटा है मेरे से, मैं तुझसे बड़ा हूँ, छोटा बड़ा बिग स्मॉल। सिंपल। नेक्स्ट है ना इन आउट, इन अंदर आउट बाहर। अब हम अभी अंदर है और बाहर मतलब कि हम अभी जब बाहर जाएंगे तब होगा हमारा बाहर। इन इन आउट आउट। नेक्स्ट है ना इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज मतलब कि बढ़ना और डिक्रीज मतलब कि कम होना। जैसे कि इंक्रीज मतलब कि मेरी हाइट बढ़ रही है और समझ कि तेरी हाइट कम हो रही है, तेरी हाइट डिक्रीज हो रही है, मेरी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज डिग्रीज है ना। अब होता है आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड मतलब कि बाहर और इनसाइड मतलब अंदर। अरे वाह भाई तेरे को तो बहुत याद है। दूसरा अपना स्लो फास्ट, स्लो मतलब कि धीरे, फास्ट मतलब स्लो फास्ट। अरे भाई तू तो बहुत जल्दी आंसर कैच कर रहे, फिर कल की टेंशन क्या है तेरे को, आराम से मैम को बता दी सारे एंटोनियम। चल दूसरा करते हैं डे नाइट। 50 करूंगा डे नाइट। भाई अभी तो डे हो रहा है, अब रात मतलब कि नाइट, अभी अभी सुबह हो रही है, अभी रात हो रही है। अरे भाई वाह क्या बात कर रहा है तू, तो तू तो इंटेलिजेंट है। दूसरा अपना डेथ लाइफ, अब डेथ का मतलब होता है मौत और लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, तो कुछ सोच। डेथ लाइफ मौत है ना लाइफ। अब फ्रंट बैक, फ्रंट का मतलब होता है आगे, तू आगे देख रहा है, बैक का मतलब होता है तू पीछे देख रहा है भाई, सिंपल है तो बहुत। फ्रंट बैक। हाँ भाई नेक्स्ट है गेन लॉस, गेन मतलब कि समझ के भाई तेरा तूने कुछ कमाया, प्रॉफिट हुआ है तेरा, समझ कि गेन हुआ तेरा, और लॉस मतलब कि तेरा नुकसान हो गया, तूने को अपनी चीज खो दी तेरा नुकसान हो गया है ना। चल नेक्स्ट है अपना गेन लॉस। हाँ भाई चलो अपना नेक्स्ट है फैट थिन, फैट पतला फोन। हाँ पतला मोटा। हाँ अब नेक्स्ट है अपना फ्यू मैनी, फ्यू मतलब कि बस कुछ और मैनी मतलब भाई बहुत सारे, मैनी करोड़। हाँ और मैन, अबे भाई अब ऐसा। हाँ भाई अब नेक्स्ट सुन ले, नेक्स्ट है अपना फिनिश बिगिन, फिनिश मतलब कि सारा चट, फिनिश मतलब कि हमारा काम खत्म हो गया, बिगिन मतलब कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना काम, आया समझ, अभी स्टार्ट कर रहे हो गया। चल भाई अब पढ़ते अपना, अब है अपना फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट का मतलब होता है पहला, जो पहला है, और लास्ट मतलब होता है जो सबसे पीछे आया है। हम सैटरडे कर रहे हैं फर्स्ट लास्ट। हाँ भाई बहुत इजी है। अब चल नेक्स्ट करते गिव टेक, गिव मतलब देना, टेक मतलब देना, आया समझ, गिव मतलब कि हम कोई चीज दूसरे को दे रहे हैं, टेक मतलब कि ले रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है अपना विन लॉस, गिव टेक।
भाई वेरी गुड। विन लॉस, विन मतलब कि मैं जीत गया तुम हार गया। विन लॉस नेक्स्ट अपना रॉन्ग लॉस रॉन्ग राइट रॉन्ग मतलब कि भाई गलत है तुम हाँ तेरा तो बहुत जल्दी तो इंटेलिजेंट बन गया एक्सपर्ट है भाई तू तो रॉन्ग मतलब कि गलत राइट सही है तू। अब ये तो यस यस का मतलब हाँ नो का मतलब नहीं हाँ नहीं यस नो ट्वेंटी भाई चल स्टार्ट। यंग ओल्ड यंग मतलब कि जवान ओल्ड मतलब कि बुड्ढा आया समझ यंग ओल्ड हाँ। अब है अपना हार्ड सॉफ्ट हार्ड मतलब सॉफ्ट जैसे कि अनमारी भाई सॉफ्ट है हार्ड हाँ भाई सॉफ्ट ये देख ये सॉफ्ट है हार्ड है हार्ड सॉफ्ट हाँ। अब देख दूसरा है लेस मोर लेस मतलब कि कम मोर मतलब कि ज्यादा मोर तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मोर लेस मोर हाँ। नेक्स्ट है अपना सेंड रिसीव सेंड मतलब कि भेजना रिसीव मतलब कि लेना सिंपल जैसे कि मैंने तेरे को दो टॉफी दी और मैंने तेरे से एक टॉफी ली रिसीव मैंने तुझे रिसीव किया हाँ सिंपल। अब नेक्स्ट है टॉप बॉटम टॉप मतलब कि ऊपर बॉटम मतलब कि सबसे नीचे है ना। हमें ट्रू फॉल्स ट्रू मतलब कि सही फॉल्स मतलब कि गलत है ना ट्रू हाँ। अप डाउन अप मतलब कि ऊपर डाउन मतलब oh. नीचे डाउन वेरी गुड। डर्टी क्लीन डर्टी मतलब कि गंदा और क्लीन मतलब कि क्लीन। अर्ली अर्ली मतलब अर्ली लेट अर्ली मतलब कि जल्दी और लेट मतलब कि सारे काम लेट मतलब कि टाइम पे ना अर्ली लेट अब ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट हमारी डायरेक्शन है उसका उल्टा है वेस्ट सिंपल है ना ईस्ट वेस्ट हाँ। नेक्स्ट है पुअर रिच पुअर मतलब कि गरीब और रिच मतलब अमीर है ना रिच पुअर ये। नेक्स्ट है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कि हम चीजों के बारे में अच्छा सोचते हैं नेगेटिव मतलब कि हम हर चीज के नुकसान के बारे में सोचते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है ना। और हमारे मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग मतलब कि सुबह इवनिंग मतलब कि शाम दोनों उल्टे मॉर्निंग इवनिंग हाँ। अब नेक्स्ट है मॉर्निंग नाइट मॉर्निंग मतलब कि सुबह सुबह रात नाइट मतलब कि रात अब इससे हो रही है और फिर रात हो जाएगी हाँ ऑपोजिट है ना। अब है वीक स्ट्रॉन्ग वीक मतलब कि कमजोर वीक अरे वाह भाई तू तो एक्सपर्ट हो गया एंटोनियम में कल ना मैम को सारे सुना दियो फर्स्ट आई हो क्लास में। चल दूसरा बढ़ते हैं दूसरा है वेट ड्राई वेट का मतलब होता है गीला ड्राई का मतलब होता है सूखा है ना वेट ड्राई ये वेट है वो गीला ये ड्राई है सिंपल। नेक्स्ट है लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग मतलब की लंबा शॉर्ट मतलब की छोटा जैसे कि तू छोटा है मैं बड़ा हूँ है ना लॉन्ग शॉर्ट अबे लॉस्ट फाउंड लॉस्ट मतलब कि खो गया और फाउंड मतलब कि मिल गया फाउंड लॉस्ट फाउंड अबे चल भाई नेक्स्ट है लव हेट लव का मतलब होता है प्यार करना हेट का मतलब होता है नफरत करना है ना भाई बहुत सिंपल है तो चल एक और नेक्स्ट है भाई मैन वुमन मैन का मतलब होता है पुरुष है ना और वुमन का मतलब होता है स्त्री मतलब कि औरतें और आदमी है ना। नेक्स्ट है अपना शी ही शी मतलब मैन हाँ शी मतलब कि जो लड़कियों के लिए होता है ही मतलब कि जो आदमियों के लिए होता है ही और ही हाँ शी भाई। नेक्स्ट है अपना सिट स्टैंड तू भी बैठा हुआ है चल मैं खड़ा हो गया थे सिट स्टैंड हिट भाई नेक्स्ट है कूल वार्म कूल मतलब कि ठंडा वार्म मतलब कि गर्म जैसे कि अभी हमारा कमरा कूल है बाहर जाएगी तो वार्म हो जाएगा है ना। चल नेक्स्ट है कूल ठीक है। नेक्स्ट है बाय सेल बाय मतलब कि मैंने जैसे खरीदा और सेल मतलब कि तूने मेरे को कुछ बेचा है ना बाय खरीदा सेल बेचा बाय सेल हाँ भाई वेरी गुड। अब नेक्स्ट बेटा 50th वर्ड है सोच ले तुम राम को कुछ सारा सुना दियो।
है लास्ट स्टार्टर फिक्स ब्रेक फिक्स मतलब कि किसी को नहीं नहीं भाई फिक्स का मतलब होता है जोड़ना ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना है ना भाई सिंपल नहीं मेरा हाथ है मेरे हाथ में ड्रा है ब्रेक फिक्स वेरी गुड भाई कल मैं मैम को सारा सुना दियो भाई मैं ना क्या करूंगा मैं ना तेरे को अपनी कॉपी दे दूंगा तू ना अपनी कॉपी में नोट कर लियो फिर इसे मैम को सुना दियो तू क्लास में छा जाएगा सारे बच्चे कहेंगे भाई कहां से याद करके आया फिर मैं कल कर कॉपी दे दूंगा और क्या भाई अभी तू नोट कर लियो जाके और कल दे दियो है ना भाई दे ले भाई ले भाई अगर तूने से रिवाइज कर लिया ना कल क्लास में तो तेरी जय जयकार हो जाएगी ले भाई थैंक यू भाई थैंक यू भाई आज तो मैंने लाज रखी है भाई दोस्तों अगर आपको हमारा ये एंटोनियम वर्ड्स हंसी मजाक में पढ़ना अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी वीडियो को शेयर करना दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में घर पे रहिए स्वस्थ रहिए थैंक यू।